भाई बोले तो फूल खिला है मेरे आंगन गुड मॉर्निंग सर्किट गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग दोस्त तेरी गुड मॉर्निंग सबकी बैड मॉर्निंग कर दे आइडिया शार्को जब सोएगा हम ये बदबूदार सॉक्स उसके मुंह में डालेंगे फिर मरीना उससे हमेशा के लिए दूर भाग जाएगी और मैं मौके का फायदा उठा के उसे खा लूंगा कैसा लगा मेरा प्लान सर्किट मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है भाई बोले तो 100 साल पुरानी बासी चीज इस हादसे के बाद शार्क को कभी मुंह खुला करके नहीं सोएगा यार ओए मेरे गले में खिंच खिंच शार्को चलो खेलने चले मैडम जी आप बुलाओ और हम ना आए प्यारी मैडम जी के लिए प्यार भरा गुड मॉर्निंग बहुत गुड मॉर्निंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी बाय बाय शार्को मैडम जी मुझसे दूर क्यों भाग रही हो बदबू बहुत ही गंदी बदबू थी चलो मरीना आखिर में तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा शार्को ये बदबू कहीं तेरी जान ना निकाल ले जल्दी कुछ कर ओए मुझे फंसाने चला था खुद ही फंस गया ओ ये बदबू इतना बड़ा होके ब्रश नहीं करता यार क्या कहा एक मिनट मैडम जी मैं अभी ब्रश करके आता हूँ देखा सिख हद से ज्यादा मुंह खोलने का अंजाम गुड मॉर्निंग मैडम जी क्योंकि अब ठीक है अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं देखा मैडम जी मेरी सांसों में कितनी ताजगी है शार्को इतनी ताजगी है कि मेरे बाल भी फ्रीज हो गए शार्को ना रहेगा टूथपेस्ट और ना रहेगी तेरी सांसों में ताजगी बोलो तो भाई देखना अब कैसे मरीना इससे दूर भागती है फिर से वही बदबू शार्को मैं चलती हूँ मुझे देर हो रही है बाय बाय फिर से वही बदबू टूथपेस्ट भी गायब ओए ज़िग शार्को पहले अपनी सांसें रोक के दिखा यार ज़िग तुझे पता नहीं वक्त पड़ने पर कांटे से ही कांटा निकाला जाता है यूकी ये ज़िग को क्या हो गया है बिना पेड़ के नारियल चल निकल यहाँ से सॉरी मैडम जी मुंह बंद रखने में ही तेरी भलाई है शार्को अपने मुंह पर ज़िप लगा ले थैंक यू शार्को बोलो तो भाई इसका मुंह खुलवाने के बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास शार्को तुम मुझे हरा दो लेकिन अपना मुंह मत खोलना मुंह मत खोल मुंह खोलेगा तो मरीना भाग जाएगी अब ठीक है बाल बाल बच गई शार्को प्लीज मुंह मत खोलना इसे कहते हैं सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए अजीब मजबूरी है I'm okay, मैडम जी बिल्कुल ओके भाई इस बदबू से दम घुट रहा है भाई क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसे कैसे पीछा छुड़ाऊं इस पत्ते की वजह से कुदकुदी हो रही है अब क्या करूं क्योंकि शार्को ऐसा क्यों कर रहा है कहीं अपना मुंह ना खोल दे क्या किया ऐसी बदबू देख शार्को तेरी बदबू बॉल के लिए भी हानिकारक निकले देख तेरी वजह से अच्छा खासा माहौल बिगड़ गया है ऑल आउट ओनली वन इज सेफ मरीना मैं बनाऊंगा तुम्हें अपना खाना और देख बाज की नजर चीते की चाल और शार्को के वार पर कभी शक मत करना ओए मेरा टूथपेस्ट ज़िग इसे मुझे लौटा दे वरना तेरी खैर नहीं मेरे हाथ लगी चीज कभी मैं लौटा दू ऐसे हो नहीं सकता यार ओ क्या कमाल की चीज है ये 2-in-1 अब मैं तो चला मरीना को खाने मरीना ओ मरीना आइसक्रीम विद टूथपेस्ट फ्लेवर मैडम जी के लिए मैं चाइना की दीवार तक तोड़ के आ सकता हूँ तो ये बर्फ की दीवार मुझे क्या रोकेगी मुझे एक का जवाब बदबू से देना अच्छी तरह से आता है
शर्को, आज मैं भी हूँ जोश में, पंगा लेना होश में। देखते हैं बदबू और टूथपेस्ट की लड़ाई में आज कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस बदबू के पीछे इस चीज का राज है। जिग, शार्को का बदबू का राज पता चल चुका है। अब इस बदबू को वो हथियार के तौर पर यूज करेगा और तू तो गया काम से। जो नहीं थी वो भी इज्जत उतार ली है। देखता हूँ कुछ पेस्ट बचे हैं कि नहीं। आ, गरीबी में आटा गिला, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो मिला। मैडम जी को कैसे ठीक करूं? कोई बात नहीं, पहले मैडम जी को ठीक करता हूँ, फिर इसका इस्तेमाल करता हूँ। इस बदबू से मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैडम जी फिर से मुझसे दूर चली गई। मैं तो ठीक हो गई हूँ। शार्को, सॉरी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। लगता है अब मुझे ब्रश कर लेना चाहिए। यस, चकाचक। हेलो मैडम जी, देखो मेरी सांसों में कितनी ताजगी है। यस, हम दोनों में हर चीज कॉमन होनी चाहिए। सही कहा ना शार्को? आशी आप थोड़ी देर पहले करती मेरी मेहनत पर बदबू फेंकी। मैडम जी,